हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं प्रकाश के बारे में। तीसरा दिन हमारा है, तीसरा लेक्चर होगा। उसमें आपको बता चुके थे कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे, जो अगली हेडिंग हमारी है वह प्रकाश किरणों का उत्क्रमण या उत्क्रमणता। उत्क्रमणता का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज विपरीत है तो उसको हम उत्क्रमणी कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ फिगर हमने बना लिया। फिगर में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चित्र में, ये चित्र बना हुआ है, चित्र में आपको देख रहे हैं आपकी आपकी यानी प्रकाश सोर्स से किरणें, ए बी किरणें आ रही हैं और यहाँ दर्पण पे टकराने यानी M1 M2 जो दर्पण है, टकराने के बाद वह परावर्तित होकर के उसी माध्यम में लौट जाते हैं जो BC किरणें हुई। अब हम यदि BC किरणों को हम मान लें कि यह परावर्तित नहीं बल्कि यह आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरणें हैं, तो इन BC किरण का परावर्तित किरण BA होगा। BA होगा, आप जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अतः आप कह सकते हैं कि आपतित किरणें परावर्तित किरणें सदैव एक दूसरे के क्या होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं। समझ गए कैसे उत्क्रमणीय होती हैं? आप समझ गए कि आपतित किरणें जिस तरह से आ रही हैं, टकराने के बाद परावर्तित हो रही हैं, उसी प्रकार हम यदि परावर्तित किरणों को हम आपतित किरण के रूप में लें, यानी हम सीबी कहें या बीसी के, उनको आपतित किरण मानते हैं, वह टकराने के बाद परावर्तित किरणें BA होगी, ठीक। और BA किरणें को हम परावर्तित किरणें कहेंगे। आप जानते हैं क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, इसलिए आपतित किरण और परावर्तित किरणें एक दूसरे के लिए हमेशा या सदैव उत्क्रमणीय होती है। ये हो गया आपका टॉपिक। आगे बात करते हैं, हम दिया हुआ है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें परिभाषा आपको बता दी गई है, बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें, दो या दो से अधिक आने वाली किरणें या एक किरणें आने वाली, दिखा गया, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद या पश्चात जिस बिंदु पर वह मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें हम उस बिंदु का यानी पहले बिंदु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। समझ आ गया सबको? अब आगे हम बात करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आभासी प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब में बना हुआ प्रतिबिंब सदैव वस्तु से सीधा होता है, वस्तु का सीधा होता है। इसे मतलब आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, अर्थात इसका फोटो नहीं लिया जा सकता है। अब दूसरी बात करते हैं हम, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा सुनिए आप। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम पहले वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते
है, समझ गए। अब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक अवतल दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में होता है, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह सदैव वस्तु का उल्टा प्राप्त होता है। अगली टॉपिक देखिए इसमें है हेडिंग है दर्पण। तो दर्पण के बारे में हम चर्चा करते हैं। दर्पण क्या होता है? कोई चिकना तल या कोई चिकना या कांच कर दिया जाए, कांच है यदि उसका या उसके एक पृष्ठ वाले कांच है, कांच के एक पृष्ठ पर हम कलई कर दें या पॉलिश कर दें या पेंट कर दें तो दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया, एक तरफ कलई कर देंगे या पेंटिंग कर देंगे तो दूसरा भाग जो है दूसरे भाग से परावर्तन होगा, अर्थात दूसरे भाग का परावर्तन हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। यदि कोई कांच है चाहे कोई चिकना तल है उस पर उसका एक भाग या एक पृष्ठ को हम कलई कर देंगे तो दूसरा भाग से परावर्तन होगा हमारा, तो उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। तो समतल दर्पण क्या होता है उसमें समझिए, समतल दर्पण क्या है? कोई समतल हम यदि कांच का टुकड़ा लेते हैं उसके एक भाग पर कलई या पेंट कर देते हैं तो उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। दूसरा हमारा ठीक है गोलीय दर्पण। तो यदि किसी खोखले गोले कांच को काटकर या किसी खोखले गोले के एक भाग पर कलई कर दिया जाए तो दूसरा भाग परावर्तक बन जाए, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। या किसी खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग पे कलई कर दिया जाए तो प्रकाश का परावर्तन या अन्य क्रियाएं उसके दूसरे पृष्ठ से होती हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहते हैं।